हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके और हमारे जीएसटी अकाउंटिंग के? दोनों ठीक है मुझे पता है। आपको याद होगा पिछली क्लास में इसी बोर्ड के साथ मैंने आपको छोड़ा था। हम लोगों ने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्डिंग शुरू कराया था, जहां बताया था कि एक ही स्टेट के अंदर में जब ट्रांजैक्शन आपका होता है तो हम यहां पे इंट्रा स्टेट कहते हैं। जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सीजीएसटी एसजीएसटी, और किसी कंपनी की बात करें तो उसने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया होगा, सेल के टाइम पे रिसीव किया होगा। जो परचेज के टाइम पे करेगा उसको इनपुट जीएसटी कहा जाएगा, और सेल के टाइम पे जो वो रिसीव करेगा वो आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा। जितना रिसीव किया, जितना पे कर चुका, माइनस करके नेट अमाउंट वो कस्टमर को पे करता है, क्योंकि जो ऑलरेडी पे कर चुका है उसका एडजस्टमेंट कराता है। मेरे बच्चे, पिछली क्लास में आपको याद होगा आपका फिक्सेड्स का परचेज करना, रेंट, स्टेशनरी मतलब एक्सपेंसेस पे करना, परचेज करना कैश या क्रेडिट पे, परचेज रिटर्न की बातें निकल के आई, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में देखी थी। मेरे बच्चे, आज हम क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और जीएसटी में जो आज हमें इंट्रा स्टेट जो सेल हो रहा है, इसके बाद हम इंटर स्टेट सेल के अंदर भी एंट्री करेंगे और उनको भी समझेंगे। फिलहाल मेरे बच्चे, एच पॉइंट हमने एच तक का एग्जांपल किया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एच के बाद यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच के बाद आई आता है, और मुद्दा वही है इंट्रा स्टेट सेल के अंदर का टॉपिक आपका। तो हम लोग इंट्रा स्टेट सेल जो है उन्हीं बातों को यहाँ पे समझ रहे हैं। आई जरा लिखिए मेरे साथ आई नंबर, यानी कि अगला पॉइंट यहाँ पे शुरू करता हूँ। हमने बातें परचेज पे तो कर ली थी, आज हम बात मेरे बच्चे सेल पे करेंगे। अब सेल, जब हमने गुड्स को बेचा होगा या सर्विसेज जब हमने अपनी बेची होंगी, तो उस केस में हमें जीएसटी कस्टमर से लेना होता है। हम जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, है ना। ये देखो आप, जब हम कस्टमर से रिसीव करेंगे विल से आउटपुट जीएसटी। तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, या फिर मैं एक काम करूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, आई लिख दो आप। आई यहाँ पे कहता है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा है यहाँ पे टू, मैं कस्टमर को लिख लेता हूँ, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचा है। मान लो कहता है जी रुपीज़ 10 लाख का, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़, और कहता है कि जीएसटी जो है आपका, यहाँ कहता है मान लो आपका 12% का मेरे बच्चे, मान लो 12% यहाँ पे बोलता, बताओ अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हमने जब कस्टमर को बेचा तो एक तो हम अपने डेटर्स को बढ़ाएंगे, डेटर्स यानी कि जिनको गुड्स हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, डेटर्स को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ये हमने सेल्स लिखा। और सुनो सुनो, डेटर्स से जो पैसे हमें लेने हैं वो सिर्फ सेल्स का नहीं मेरे बच्चे, जीएसटी का भी लेना है हमें, जीएसटी का भी। तो आप जब जीएसटी का पैसा लोगे, रिसीव करोगे, तो आप यहाँ पे आउटपुट, हमने पिछली क्लास में इनपुट कहा था क्योंकि हमने पे किया था, आज आउटपुट आपका सीजीएसटी, और यहाँ पे टू आउटपुट, आउटपुट आपका एसजीएसटी हमने यहाँ पे रिसीव करना है। मतलब डेटर से जो पैसा रिसीव किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सेल्स, 10 लाख रुपीज का अमाउंट, और यही नहीं मेरे बच्चे, ये टैक्स भी हमें उनसे कलेक्ट करना है डेटर से और गवर्नमेंट को देना है। तो बताओ 6% कितना हो जाएगा 10 लाख का, 60,000, और फिर आधा यहाँ पे जी 60,000, यानी कि डेटर से हमें टोटल कितना लेना है, 11,20,000 का अमाउंट मेरे बच्चे, 11,20। डेटर से जो आप पैसा रिसीव करोगे वो 11,20 रिसीव करोगे। हाँ, इस 11,20 में जो 10 लाख से, ये तो आपका रेवेन्यू है, ये आपका सेल्स यानी कि रेवेन्यू है, लेकिन ये जो पैसा आपने कस्टमर से रिसीव किया मेरे बच्चे, ये पैसा आपका नहीं है। ये पैसा जो कस्टमर से रिसीव किया या जो रिसीव करोगे वो पैसा आपका नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को आपने देना है, वो तो गवर्नमेंट को आपने देना है। तो ये अगर मैं, जैसे इनपुट जीएसटी को मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एसेट्स है, उसी तरीके से इनको अगर नाम देना ही है तो मैं लायबिलिटी कह सकता हूँ मेरे बच्चे। ये वो पैसा है जो हमने कस्टमर से लिया या लूँगा, लेकिन माफ कीजिए लेकिन अभी तक वो पैसा मेरा नहीं है, कभी मेरा नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है।
हमें गवर्नमेंट को देना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे गवर्नमेंट वो पैसा हमसे कलेक्ट कर लेगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी, कोई पूछे कि यार आउटपुट सीजीएसटी क्या है, तो बोलना लायबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को वापस करना है। मेरे बच्चे अब आई का पॉइंट नंबर ए हो गया, बी लिखो आप। कहना कि रिसीव्ड, रिसीव्ड आपका यहाँ पे ड्यूज, ड्यूज फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स हैं उनसे आपने क्या क्या पैसा रिसीव किया, तो बताओ कितना रिसीव करूंगा, ये पूरा 1120। मेरे बच्चे डेटर से हमने क्या किया, ये सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया। अगर आपने पैसा रिसीव कर लिया तो आपका बैंक या कैश आपका 1120 से बढ़ जाएगा, 1120 से बढ़ जाएगा, और आप अपने डेटर्स के नाम को क्या करोगे, हटा दोगे। तो डेटर्स जो आपका है 1120 से हटा देना और बैंक को बढ़ा देना। कोई दुनिया वाले अगर पूछ दे कि जरा बताओ इस दोनों एंट्री का अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ, अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ, तो आप उनको कहना कि भैया डेटर्स डेबिट में और क्रेडिट में कैंसिल हो गया। इसका अल्टीमेट इंपैक्ट हुआ कि फर्म के पास 11,20,000 रुपए, फर्म के पास 11,20,000 का अमाउंट आया है, फर्म के पास इतना पैसा आया है, इसमें से सेल्स इतना है, मतलब रेवेन्यू इतना है, बाकी तो लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को हमें वापस करना है। मेरे बच्चे ये दो एंट्री, सर हम भी एग्जाम में लाल अक्षर से काट देंगे, नहीं बदमाश नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ। चलो हम आई के बाद जे अगला पॉइंट और देख लेते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस बार कैश में कस्टमर को बेच दिया, कहता है ₹20 लाख 20 लाख रुपए का। और मेरे बच्चे कहता है कि जीएसटी जो आपका है, जीएसटी जो है मान लो यहाँ कहता है 18%, कुछ भी हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, मान लो 18% है, बोलता बताओ एंट्री क्या करेंगे, तो समझो ना, समझो ना। अरे जब सेल कर दिया तो मेरे पास कैश आया होगा, कैश आ गया होगा, अगर चेक से रिसीव करता तो बैंक बढ़ा देता, मान लो कैश में बेचा तो कैश हमारे पास आ गया मेरे बच्चे। हाँ, जो कैश आया है उसमें एक तो सेल्स का पैसा है, बताओ हमारा सेल कितने का, 20 लाख का, 20 लाख रुपए का मेरे बच्चे हमारा सेल हुआ, 20 लाख। हाँ, इसके साथ साथ कस्टमर से हमने आउटपुट, रिपीट कर रहा हूँ, जो आप रिसीव करेंगे उसको आउटपुट सीजीएसटी, एक तो हमने ये रिसीव करना है जी, और एक आपका आउटपुट एसजीएसटी, मतलब 20 लाख का 9% निकालो, आधा, यानी कि 1,80,000, और 1,80,000, यानी कि टोटल आपका हो गया कितना जी, 23,60,000, मतलब जिसको हमने गुड्स बेचा उस कस्टमर से इतना कैश लिया होगा, जिसमें इतना हमारा अपना रेवेन्यू है, ये हमारा है, ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, ये पैसा गवर्नमेंट को देना, अभी दे दो ना सर, ना 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 अभी नहीं दिया जाता, अभी नहीं मेरे बच्चे, वो हर एक महीने का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट मंथ के 28th को दिया जाता है, 20 या 20 के पहले, वो हम अभी फुल फ्लेज अकाउंटिंग आपको दिखाएंगे, आप चिंता मत करना, लेकिन अभी तो आपका ये, हाँ दुनिया वाले कहें कि भैया आपका रेवेन्यू कितना है तो मत कहना 23,60,000 रुपये, रेवेन्यू यानी कि सेल्स आपका इतना है, और ये तो आपकी लायबिलिटी है, ये वो पैसा है जो हमने कस्टमर से रिसीव किया है एंड गवर्नमेंट को हमें देना है। गवर्नमेंट को आज नहीं देते, ऐसा नहीं होता कि आज सेल किया गवर्नमेंट को दे दिया, कल सेल किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती, वो कहती यार एक महीने का पूरा एंट्री कर लो, लास्ट में हिसाब क्या बनेगा उतना पैसा हमें दे देना। अभी सिखाऊंगा, आप देख लो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये भी एंट्री कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट पे हो जाए, कैश पे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। हाँ, जब बात उठी है आपका ऐसे, तो मैं आपको कुछ और भी एंट्री यहाँ दिखा देता हूँ, आओ जरा मैं कुछ और भी एंट्री यहाँ दिखा देता हूँ, आप जरा आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे। कितने हो गए जी, आई जे के लिखो आप, के, के में एक काम करते हैं, के में पहले आपको एंट्री दिखाते हैं ए नंबर, वन नंबर यहाँ पे, या डेट वाइज कर लेते हैं, मान लो 25th अप्रैल को, अप्रैल को कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹8 लाख, 8 लाख का गुड्स बेचा मेरे बच्चे, और जीएसटी का रेट कहता है आपका यहाँ पे मान लो कितना ले लो बताओ, चलो मान लो 12% आपका है 25th को, और फिर कहता है कि 28th अप्रैल को, दो एंट्री में एक साथ लिख देता हूँ, कहता है कि गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न ₹8 लाख
1 लाख 1 लाख का हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो बोलता है जरा बताओ क्या करेंगे। देखो सॉल्यूशन में अगर मैं 25 अप्रैल की एंट्री लेकर आऊँ, मेरे बच्चे हमने सेल किया है क्रेडिट पे, तो डेटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना बाद में, क्योंकि इनसे पैसा सिर्फ हमें जो गुड्स बेचा वही नहीं लेना, सेल्स वाला पैसा तो लेना ही है 8 लाख रुपीज, इनसे हमें जीएसटी भी तो लेना है, हमें लेना है मेरे बच्चे यानी कि आउटपुट, आउटपुट पे, आउटपुट यानी कि जो हमने सेल किया, देख रहे हो जो कस्टमर्स लेते हैं उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, और दूसरा आपका आउटपुट क्या नाम है जी, SGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST आपका यहाँ पे 12% यानी कि इसका 6% जो होगा, जरा बताओ कितना निकल के आता है, 8 लाख का 6% 48,000 आएगा शायद, 8 लाख का 6% हाँ जी 48,000 ये हो गया, एंड 48,000 आपका ये हो गया। तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका कितना, 8 लाख 96,000, ये डेटर से हमें 8,96,000 लेना है। ध्यान रखना डेटर से इतना लेना है, इतना गुड्स का और इतना जीएसटी। लेकिन 28 अप्रैल को जब हमने सेल्स रिटर्न कर दिया मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना एक तो जो सेल्स क्रेडिट था अब वो डेबिट में सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका हो जाएगा, और हाँ जितना हमें कस्टमर से लेना था, जिस ये पैसा जो कस्टमर को लेकर हमें गवर्नमेंट को देना था बच्चे, तो अब ये गवर्नमेंट को नहीं देना, कितना डेबिट कीजिए आउटपुट, हम इसको भी कैंसिल कर देंगे सीजीएसटी, और फिर आपका आउटपुट एसजीएसटी, बात समझ आ रही है कितना। तो सेल्स रिटर्न आपका यहाँ पे 1 लाख का हुआ है, आप इसको 1 लाख से डेबिट करेंगे, और 6% यानी कि 6,000, और यहाँ पे 6 यानी कि ये टोटल अमाउंट जो आपका हो जाएगा वो 2 आपने बोला डेटर्स अकाउंट, यानी कि डेटर्स को जो हमने इतना डेबिट किया था उसमें से अब हम आपसे 1,12,000 नहीं लेंगे मेरे बच्चे। और जरा समझो ना, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी है, ये देखो लाइबिलिटी यहाँ पे कितना था टोटल आपका 96, लेकिन 96 में आपने 12,000 क्या किया डेबिट कर दिया, तो नेट अमाउंट कितना बन गया आपका 84,000। समझो मेरी बात, यहाँ पे यानी कि 96 में आपने यहाँ पे 12,000 जो था उसको तो कैंसिल कर दिया ना, जब गुड्स रिटर्न हो गए तो अब हमें वो गवर्नमेंट को नहीं पे करना, तो अब 84 का पेमेंट किया जाएगा यहाँ पे आपका नेट जो हो जाएगा। खैर ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, यहाँ पे ये बातें खत्म हो गई। हाँ अभी तक हम लोगों ने बात किया आपका इंटरस्टेट सेल का। अब मेरे बच्चे मैं इंटरस्टेट सेल के बारे में बात करना चाहता हूँ, इंटरस्टेट सेल का। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, या छोड़ो मन को रहने दो, मन को छोड़ो आप, मैं अब इंटरस्टेट से मेरे बच्चे अब आना चाहता हूँ इंटरस्टेट सेल के बीच में, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन आपका बेसिकली। तो मैं यहाँ से अब इसको मिटाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे इंट्रास्टेट में था उसी तरीके से इंटरस्टेट में होगा। ये लीजिए मैंने इसको हटा दिया और आप नया पेज लेंगे, बिल्कुल नया पेज, इस पेज को बिल्कुल छोड़ दो जितना भी बच गया है, और आप आइए अगले पेज पे, जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस। मेरे बच्चे इंटरस्टेट का मतलब फॉर एग्जांपल आपका, जैसे मान लो ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका बिटवीन दो स्टेट, दिल्ली ले लेता हूँ, दिल्ली एंड मान लो क्या ले लो बताओ, चलो यूपी ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, दो स्टेट जहाँ पे होगा वहाँ पे। आप जानते हैं कि इस केस में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटेग्रेटेड जीएसटी, इंटेग्रेटेड मतलब ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मेरे बच्चे अगर मान लो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, मैं कौन हूं टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी क्या करेगी, अगर हम देखें यहां पे तो या तो परचेज करेगी जी, परचेज करेगी क्या क्या आपका गुड्स, या फिर वो आपका सर्विसेज परचेज करेगी, या फिर वो आपका फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेगी, या फिर वो सेल करेगी टाटा कंपनी क्या जी, अपना गुड्स या फिर सर्विसेज जिसमें भी वो डील कर रही है। आप जानते हो कि अगर परचेज किया
तो यहां पे आपने टैक्स पे किया होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट, इनपुट और आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इसका मतलब क्या, पेड हमने किया होगा जी, पेड ये हमने पे किया होगा, है ना। और जो हमने सेल किया इस पे हम क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे आउटपुट आपका आईजीएसटी, और ये हमने क्या किया, रिसीव किया होगा, रिसीव किससे, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर्स, है ना। ये हमने किसको पे किया होगा, वेंडर को, सप्लायर को, और हमने रिसीव किया होगा। तो आउटपुट आईजीएसटी और ये हो गया इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। मतलब जहाँ पे वहाँ दो तरीके का था मेरे बच्चे, वहाँ पे सिर्फ एक हो जाएगा और बाकी बातें बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरा फर्ज समझाना है, सारी बातें समझाना। तो मैं यहाँ पे आपको केस वाइज स्टार्ट करता हूँ। मान लो लिखो पहला केस, यहाँ पे ध्यान रखना, आप ये मानना अब सर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, जो पहले इंट्रा स्टेट हुआ करता था, अब क्या होता है जी, इंटर स्टेट, उसमें हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करें, कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे लिखिए परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5 लाख, 5 लाख का गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया। और इसमें कहता है कि जीएसटी का जो रेट है वो आपका मान लो 12% है। बोलता बताओ क्या एंट्री करोगे। पर बच्चे एंट्री क्या होगा बताइए, एक तो गुड्स परचेज किया यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट होगा, तो परचेजेज अकाउंट आपने डेबिट किया। कितने का परचेज किया जी, 5 लाख का। जब भी गुड्स परचेज किया तो आपने जिसने आपको सेल किया होगा, या ऐसा कह दो जिससे आपने गुड्स परचेज किया मेरे बच्चे, उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया होगा, क्योंकि वो भी सेल कर रहा है। हर एक आदमी जो सेल करेगा वो जीएसटी आपका चार्ज करेगा। उसने जीएसटी चार्ज किया आपसे तो आपने पे किया, यही है ना बच्चे। अगर मैं टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं, तो टाटा कंपनी ने अगर मान लो किसी से गुड्स परचेज किया तो उस आदमी को जीएसटी पे किया होगा। और जब भी जीएसटी पे करोगे तो हम क्या बोलेंगे, इनपुट, और इस बार इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी, इनपुट यानी कि हमने पे किया है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका, बताओ 12% कितना हो जाएगा, 60,000। और ये सारा पैसा हमने पे कर दिया जी टू कैश अकाउंट, कितना हो गया, 5,60,000। अब समझ रहे हो ना, इंट्रा स्टेट में दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर ये इंटर स्टेट है तो कोई डिवाइड करने का मतलब ही नहीं बनता, फिर तो हम क्या करेंगे, आपका इस तरीके से एंट्री लेकर आएंगे आपका, ठीक है ना। इनपुट किया, पे करूंगा तो हमेशा इनपुट और आईजीएसटी आपका, यहाँ पे वहां पे दो थे, यहाँ पे एक रहेगा। केस नंबर टू लिखिए, यहाँ पे कहता कि परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है रुपीज, मान लो कह लिया कि 2 लाख रुपए का जी, और कहता है कि जीएसटी का जो रेट है मान लो यहाँ पे 12%, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमने 12% मान लिया, यहाँ पे बता रहा कि कैसे अकाउंटिंग होगा, समझो ना। परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, एक तो आपने ये परचेज किया। लेकिन जब परचेज किया आपने गुड्स 2 लाख रुपीज का, तो मेरे बच्चे आपने जीएसटी भी पे किया, और क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो आप बोलेंगे इनपुट आईजीएसटी, है ना। ये अमाउंट कितना आ गया, 24,000। और हमने क्रेडिट पे लिया बच्चे, यानी कि टू क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब क्रेडिटर्स को जो मैं टोटल अमाउंट पे करूंगा 2,24,000, क्रेडिटर्स को इतना पे करूंगा, इसमें से इसको तो अपना एक्सपेंस मानूंगा बच्चे, लेकिन ये मेरा वो एसेट्स है जो जो लायबिलिटी मेरे ऊपर बनने वाली है कस्टमर से जब लेने वाला अमाउंट में, उसमें सेटअप किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और ये टू में काम करो, नंबर ए लिख दो आप यहाँ पे, नंबर बी कर देना यहाँ पे अगली एंट्री में, पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो कितना पे किया, 2,24,000। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2,24,000 एंड टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो भी कहो, जैसे पेमेंट किया होगा आपने, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। तो क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया। आपको आपको दिख रहा होगा इम्पैक्ट सिर्फ आपका जीएसटी का है, और बातें दो ही तो है मेरे बच्चे। अगर आपने किसी से सामान परचेज किया है तो जीएसटी पे किया होगा, इनपुट जीएसटी,
अब वो जीएसटी के आगे आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, आपका सीजीएसटी है, वो तो केस टू केस आप समझ जाएंगे। और अगर हमने सेल किया तो आउटपुट जीएसटी हमने रिसीव किया है ना, तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। आप एक काम करो, यहाँ पे ये हो गया, अब मैं आपको थर्ड दिखाता हूँ, थर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे, केस नंबर थ्री लिखिए आप यहाँ पे, केस नंबर थ्री नंबर ए, यहाँ पे दो एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपका। कहता कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फोर रुपीज 1 लाख, और कहता है कि जीएसटी का जो रेट है वो आपका यहाँ पे मान लो 28% का है। फिर कहता है बी में कि परचेज्ड गुड्स जो गुड्स हमने परचेज किया था कॉस्टिंग रुपीज 20,000 रिटर्न्ड, हमने रिटर्न कर दिया है ना, 1 लाख में से 20,000 रिटर्न कर दिया। बोलता हूँ एंट्री क्या होगा, तो मेरे बच्चे नंबर ए ध्यान रखना, ये इंटर स्टेट सेल है। जब परचेज किया विल डेबिट परचेज अकाउंट, और जब हमने गुड्स परचेज किया है तो हमें यहाँ पे जीएसटी भी पे किया होगा, हमने पे किया यानी कि इनपुट, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये क्रेडिटर्स से परचेज किया यानी कि टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब देखो ना, हमने जो गुड्स परचेज किया वो 1 लाख का है, यहाँ चला गया, जो इनपुट जीएसटी आपका है 28% यानी कि 28,000 का अमाउंट आपका हो गया, तो टू क्रिएटर्स अकाउंट 1,28,000 का अमाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री वी हैव पास्ड। नाउ द बी में व्हाट वी हैव टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न 20,000 गुड्स टू द क्रिएटर्स। मेरे बच्चे जब रिटर्न होगा लाइबिलिटी क्रिएटर्स की कम हो जाती है, तो क्रिएटर जो हमने क्रिएट किया था वो डेबिट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि परचेज का यानी कि गुड्स का जब रिटर्न होता है तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और हाँ ये जो हमने जीएसटी हमें जो पे करना था मेरे बच्चे, क्रिएटर्स को उतना नहीं पे करेंगे, यानी कि टू इनपुट जीएसटी आईजीएसटी है ना। तो आप जरा देखो, हमने जो गुड्स रिटर्न किया कितने का है, 20,000 का, और जो हमने कहा था कि ये पे करेंगे, अब तो नहीं पे करना, कितने से, तो 20,000 का 28% यानी कि 5,600 का अमाउंट। तो क्रिएटर्स को जो हमने 25,600 का अमाउंट नहीं पे करना, इट्स वेरी सिंपल। परचेज के टाइम पे जो आपने डेबिट किया होगा उसे क्रेडिट कर देना पड़ेगा, जितने से रिटर्न किया उतने से आपका, लिख लो आप यहाँ पे। ये तो सारी बातें वही है जहाँ पिछली क्लास में दो जीएसटी थे, वहाँ पे सिर्फ एक हो गया और कुछ नया नहीं है। वहाँ पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी था, यहाँ पे आईजीएसटी आपका है। अब चलो, बात जब उठी गई है तो मैं आपको यहाँ पे केस नंबर फोर भी एक करा देता हूँ जी। कहता है कि परचेज्ड, हमने यहाँ पे परचेज किया है, परचेज मान लो यहाँ कहता है इक्विपमेंट हमने परचेज किया है 4 रुपीज़ 3 लैक्स, 3 लाख का हमने इक्विपमेंट परचेज किया है, यहाँ पे 3 लैक्स इक्विपमेंट, और जीएसटी कहता है आपका, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जी ऑन क्रेडिट, मान लो ऑन क्रेडिट, और जीएसटी जो है एक कैश ले लो ना, फॉर कैश कर लो, क्या जाता है, जीएसटी कहता है मान लो यहाँ पे 12% आपका है, तो बताओ क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बोलो। मेरे बच्चे इक्विपमेंट परचेज किया यानी कि इक्विपमेंट आपका डेबिट हो जाएगा। इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा, तो ये देखो 3 लैक्स, लेकिन इसके साथ साथ हमने जीएसटी भी तो पे किया है, और वो जीएसटी क्या बोलेंगे, इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी 12%, मेरे बच्चे 36,000 का अमाउंट आपका हो जाएगा। तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और हमने कैश में लिया है तो टू कैश या टू बैंक आपकी मर्जी, ये 3,36,000 का हमने पेमेंट कर दिया। आप समझ रहे हो ना, आप बोलोगे कि सर आज तो बहुत स्पीड में चल रहे हो, तो ना मेरे बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट तो पिछली क्लास में सीख लिया था, वही बातें, बट जीएसटी की छोटी छोटी बातें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लिख दो। हाँ, अब ये बात हो गई हमारी, अब ये बात हो गई, तो हमने आपको, हाँ, सेल वाली बातें भी सीख लेते हैं ना, क्या जाता है केस नंबर फाइव, पांचवा केस,
कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख, 10 लाख का हमने सेल किया है फॉर कैश, कैश पे, और कहता है कि जो जीएसटी है वो आपका मान लो 5% है, 5%, तो क्या एंट्री होगा जी? मेरे बच्चे कैश पे बेचा है, कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट डेबिटेड, पैसा किस किस चीज़ का आया होगा? एक तो टू सेल्स अकाउंट, जो गुड्स बेचा उसका हमारे पास 10 लाख रुपए आ गया, और हमने जीएसटी भी तो कस्टमर से रिसीव किया होगा, रिसीव किया होगा, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी है ना कितना, 5% आपका 50,000, तो हमने टोटल 10,50,000 का अमाउंट रिसीव किया होगा, 10,50,000 रुपये, आप समझ रहे हैं ना, 10,50,000 का टोटल अमाउंट आया होगा, ये टू सेल्स हो गया और ये आउटपुट आपका आईजीएसटी हो गया। लीजिए बात कंप्लीट हो गई। तो गुड्स बेचा कैश पे, उसका इन्वेंटरी मैं बता दूं, जो मेरे बच्चे 10,50,000 आया है ना, इसमें से ये तो मेरा रेवेन्यू है लेकिन ये मेरी लायबिलिटी है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। जब भी हमें गवर्नमेंट को देना है मतलब ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, हमने लायबिलिटी के रूप में यहाँ पर दिखाना होता है। अब मैं आपको, क्योंकि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, अब मैं आपको एक पूरा एक टाइम पीरियड का अकाउंटिंग दिखाता हूँ जहाँ पे आपको सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करूँगा, एक कड़ी को दूसरे के साथ जोड़ूंगा और देखूंगा उस केस में कि एक साल के अंदर, मान लो एक महीने के अंदर में हम लोग कैसे इसका काम करेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे एग्जांपल नंबर, नंबर तो मुझे नहीं याद, मान लो 1 ही ले लो आप। यहाँ पे कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ, मान लो कहता हूँ मैं जनवरी, जनवरी 2019, मान लो मैं जनवरी 2019 का आपको यहाँ पे एंट्रीज दिखा रहा हूँ, जनवरी 2019 की एंट्रीज क्या बनेगी मैं वो दिखाता हूँ। सुनो ये कैसे काम चलेगा, सुनो जरा मेरी बात, ये देखो जरा मेरी बात। यहाँ पे कहता है कि मान लो 5 जनवरी को, लिखिए मेरे साथ, 5 जनवरी को परचेस्ड, एक काम करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा मेरे बच्चे, सबको मैं यहाँ पे मानता हूँ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। मैं फिर और इसको बाद में कॉम्प्लिकेट करूँगा क्योंकि हमें अभी आपको बताना भी है कई सारी बातें। पहले मान लो जितनी सारी बातें हो रही है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रही है, इंटर स्टेट आपका, ठीक है ना। तो परचेज आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल रुपीज लिखो 2 लाख, 2 लाख रुपए का, और मेरे बच्चे जीएसटी का रेट कहता है यहाँ पे मान लो 5% का है। फिर कहता है 8 जनवरी को, 8 तारीख को पेड रेंट, पेड आपका, या कर दो आप यहाँ पे टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमने टेलीफोन बिल पे किया है यहाँ पे रुपीज 30,000 एंड रेंट कहता है रुपीज 20,000। इन पे कहता है कि जो जीएसटी का रेट है वो मान लो आपका 12% का है मान लो, मान लो क्वेश्चन बताएगा। फिर कहता है मेरे बच्चे 10 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, 10 तारीख को यहाँ पे परचेस्ड एक मशीन परचेज किया हमने, मशीन सॉरी कहता है कि फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का, और यहाँ पर भी कहता है कि जो जीएसटी का रेट है, जीएसटी का वो मान लो आपका 18% आपका 18%। पर बच्चे फिर कहता है यहाँ पे आपका 23 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20 लाख, 20 लाख का हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे सेल किया है गुड्स, और हमने जो गुड्स बेचा कहता है कि उस पर जीएसटी का रेट जो है मान लो 18% का है,
मान लो 18% का है, मैं एक काम करूँ क्या, एक एंट्री और चलो आगे देख लूँगा, कोई बात नहीं। फिर लिखो यहाँ पे आपका 25 जनवरी को, 25th को कहता है यहाँ पे क्या लिखो, पेड सैलरी, आपने सैलरी पे किया है 20,000 मान लो या 25,000, और इस पर कोई GST नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं बताया, मतलब कोई GST नहीं है। फिर आ जाओ आपका 28 जनवरी को कहता है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है ₹30 लाख का, यहाँ GST नहीं बता रहा है। ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पे सेल पे 18% है तो GST यहाँ भी 18% ही रहा होगा, है ना, कॉमन सेंस है, क्योंकि कैश पे बेचो चाहे क्रेडिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सेम निकल के आता है। फिर मुझसे कहता है कि 30th जनवरी को आपका ये कहता है रिसीव्ड रुपीज 18 लाख फ्रॉम डेटर्स, जो आपके डेटर्स हैं, मतलब जिनको आपने गुड्स भेजा क्रेडिट पे, उनमें से कितना जी 18 लाख मिल गया। तो ठीक है, इस पे थोड़े कोई GST हो गए, तो पैसा रिसीव कर रहे जो सेल किया था आपका। और मेरे बच्चे 31 जनवरी को ही कहता है कि यहाँ पे नेट आपका जो GST है वो पेड टू गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट को क्या किया, यहीं पे पे कर दिया 31 तारीख को ही। मान लो ऐसे जनरली इस साल का टैक्स अगले साल पे होता है, लेकिन मान लो हम एंट्री सीख रहे हैं, सारी बातें सिखा दूंगा, तो बोलता बताओ आप इसकी एंट्रीज क्या करोगे। मेरे बच्चे हमें मंथ ऑफ जनवरी की सारी बातें यहाँ पे दिखानी है, आप शुरू करते हैं, आपको एंट्रीज करने तो आता ही है। सोल्यूशन में आप लिखिए मेरे साथ जर्नल एंट्रीज फॉर मंथ ऑफ कौन से महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी का, ये लीजिए आप जनवरी 2019 का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो ना मेरे बच्चे, 5 जनवरी को अगर मैं एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज किया, तो हम लोग बोलेंगे परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितने का है, 2 लाख का, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, तो सब में क्या होगा, IGST, यानी कि एक तो 2 लाख ये पे करना है, और मेरे बच्चे यहाँ पे IGST और इसके पहले क्या लग जाएगा, इनपुट, जब भी कुछ परचेज करेंगे उस समय जो GST पे करना है, इनपुट IGST, अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। बताओ 2 लाख का 5% कितना होता है सर, 10,000 का अमाउंट, 10,000। एंड टू आपने क्या किया, देखो ये नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट, नाम भी नहीं है, तो हम कैश भी मान लेते हैं, 2 कैश अकाउंट, यानी कि 2,10,000। अब समझ रहे हो ना, मैंने आपको कितनी बार समझाया वही बात यहाँ बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि आज जो हमने 2,10,000 का हमने जो गुड्स परचेज किया और जो पेमेंट किया, गलत वर्ड बोला, दोबारा बोलता हूँ, आज जो हमने 2,10,000 का पेमेंट किया है, इसमें 2 लाख रुपए तो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन ये 10,000 मेरे बच्चे मेरा एसेट्स है। आज मैं जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, ये आपको हम आगे सेटअप कराएंगे, है ना, कैसे मैं दिखाऊंगा आपको। आओ जरा 8 जनवरी हमने टेलीफोन बिल पे किया, रेंट पे किया, तो मेरे बच्चे यहाँ पे टेलीफोन बिल इकट्ठा दिखा दे रहा हूँ, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस बनना डेबिट होगा। रेंट पे किया तो रेंट आपका अकाउंट डेबिटेड। टेलीफोन बिल कितने का है, 30,000 का। रेंट कितने का है, 20,000 का। और क्योंकि ये इंटरेस्ट स्टेट है, मान लो इंटरेस्ट स्टेट आपका है, ऐसे टेलीफोन बिल इंटरेस्ट स्टेट कैसे होगा सर, छोड़ो ना, मान लो, तो यहां पे हमने क्या किया, इनपुट IGST कितना परसेंट बता रहा है यहाँ पे जी आपका, 12%, तो 50,000 का मेरे बच्चे 12%, यानी कि कितना, 6,000, है ना, 50,000 का, और ये हमने पे किया, यानी कि 2 कैश अकाउंट, कितना पे किया, 56,000।
फिर आपका 10th जनवरी आया, 10th जनवरी हमने फिर से मशीन लिया, लिखो ना मशीन अकाउंट डेबिटेड, आपने मशीन लिया है मेरे बच्चे 5 लाख का, तो 5 लाख का मशीन बढ़ा दो, और इस पर GST आपने पे किया अगेन, तो विल राइट इनपुट IGST, ये मानते हुए कि सारे ट्रांजेक्शन इंटर आपका यहाँ पे है, तो 18% कितना हो जाएगा, 90,000 एंड टू आपने कहा कैश या टू बैंक अकाउंट, हमने 5,90,000 यहाँ पे किया। बस 23rd आ गया, 23 आपका जनवरी, 23rd जनवरी। अब ध्यान देना इस पर गुड्स हमने बेचा है, हमने सेल किया कैश पे, जब सेल किया तो एक तो कैश अकाउंट बढ़ेगा और इनकम यानी कि टू आपका सेल्स अकाउंट, और आप जानते तो हो मेरे बच्चे, आप जानते तो हो जब गुड्स हम किसी को बेचेंगे, जब गुड्स किसी को हम सेल करेंगे, तो गुड्स को सेल करने पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर से GST भी रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे टू आउटपुट हमने रिसीव किया यानी कि आउटपुट IGST अकाउंट। बताओ सेल कितने का किया, ये देखो 20 लाख, 20 लाख आपका GST कितना, 18% यानी कि आपका 3,60,000, तो बैंक में 23,60,000 का अमाउंट आपके पास आ गया मेरे बच्चे, इतना कैश आया, इतना हमारा रेवेन्यू है, और ये वो लायबिलिटी है जो पैसा हमने कस्टमर से लिया लेकिन ये गवर्नमेंट को देना है ना गवर्नमेंट को। अच्छा 23 तारीख के बाद 25 तारीख, 25th जनवरी, इसमें तो कोई GST है ही नहीं, सैलरी पे किया तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है बढ़ना डेबिट हो गया 25,000, और हमने पे किया यानी कि टू कैश अकाउंट, इट्स टू सिंपल एंट्री, ठीक है। अब हमने फिर से 28 तारीख को सेल किया, लिखो ना 28 जनवरी को मेरे बच्चे सेल किया क्रेडिट पे, तो डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, है ना, कितना पैसा लेना है जी, तो डेटर से एक तो सेल्स वाला पैसा हमें लेना है और एक वो आउटपुट GST जो इनसे लेकर हमें गवर्नमेंट को देना है, आउटपुट IGST, क्योंकि इंटीग्रेटेड GST आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, 30 लाख का ये सेल्स की एंट्री, और 18% 5,40,000, यानी कि 35,40,000 से एंट्री आपका यहाँ पे बना, डेटर से इतना पैसा लेना है सेल्स का और ये आपका GST का पैसा आपका, ठीक है। ये 28 तारीख की एंट्री होगी मेरे बच्चे, अब 30 तारीख की एंट्री करूँगा मैं, अब 30th जनवरी की एंट्री करूँगा, 28 तारीख के बाद, इस कहता है कि आपने डेटर से इतना रिसीव किया, ओहो जिनसे इतना पैसा लेना था हमें 18 लाख मिल गया, तो जितना मिल गया कैश अकाउंट डेबिटेड एंड टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ थोड़े कोई GST की बात होगी, अरे परचेज सेल के टाइम पे होता है, पैसा रिसीव करने के टाइम पे थोड़े कुछ आपका करना है, तो ये तो हमने एंट्री कर लिया मेरे बच्चे। मैं अब आपको आइजरा अब हम देखते हैं 31st जनवरी को यहाँ पे क्या करेंगे। 31st जनवरी को मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है कि नेट GST आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो वो नेट GST बना कितना, जरा एक बार चेक करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा 31 तारीख को, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, आप जरा चेक करो कि आपका जो आउटपुट GST है, आउटपुट GST मतलब जी जो पैसा आपने कलेक्ट किया था या कलेक्ट करेंगे, मतलब जब गुड्स आपने बेचा था उस पर आपने GST कितना आपका बना जो हमें गवर्नमेंट को देना है। तो मेरे बच्चे एक आपका 360 और एक 540, ये दो अमाउंट आपका, तो हमने क्या किया 360 और एक आपका कितना जी 5,40,000 मेरे बच्चे, ये अमाउंट आपका हो गया 9 लाख। ध्यान रखना ये वो 9 लाख रुपए हैं जो कस्टमर से या तो हमने कलेक्ट कर लिया या फिर अभी कलेक्ट करना है, मतलब ये वो अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को देना है मेरे बच्चे, पैसा हमारा नहीं है ये गवर्नमेंट का है। मैंने आपको समझाया था कि ये एक तरीके से हमारी हमारे ऊपर में लायबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को देना है, लेकिन हाँ हम कुछ GST गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं जब हमने सामान परचेज किया था। यानी कि जरा बताओ इनपुट GST, इनपुट IGST, ये IGST है सॉरी, इनपुट IGST यानी कि जो हम पे कर चुके हैं या पे करेंगे वो अमाउंट कितना है जी, ये देखो आप
एक तो आपका 10,000 ये, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यानी कि एक तो आपका 10,000 ये हम पे कर चुके हैं, है ना, जब सामान परचेज किया था। एक यहाँ जी 6,000 पे कर चुके हैं, और फिर आपका यहाँ पे एक यहाँ पे कर चुके हैं 90,000। तो मेरे बच्चे ये टोटल हो गया आपका कितना जी, 1,06,000। ये पे कर चुके हैं पहले, याद कीजिए, जब बार बार जब मैं इनपुट जीएसटी का नाम ले रहा था तो मैं कह रहा था ये एडवांस पेमेंट है, यानी कि एक तरीके से आपका एसेट्स है। तो देखो ना, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 9,00,000 हमें पे करना है जी अपने प्रोडक्ट पे, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में इतना हम जीएसटी पे कर चुके हैं, तो और आपको 7,94,000 पे किया जाएगा। ये आपका हो गया नेट पेबल, ये आपका पे किया जाएगा, ये पे किया जाएगा। पर बच्चे इसकी एंट्री पास करना है, देखो ना मैं कैसे करूंगा, सुनो मेरी बात। आप एक काम करो, आउटपुट जीएसटी जो आपकी लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी जो आपने क्रेडिट में लिखा था, देखो लायबिलिटी हमने क्या किया था, क्रेडिट में लिखा था, आज सारी लायबिलिटी खत्म कर दो। मतलब जो क्रेडिट में था अब उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि आउटपुट आउटपुट जीएसटी जो आपका है आप इसको डेबिट कर दो। कितने से जी, तो सर ये 9,00,000 का अमाउंट, 9,00,000 मेरे बच्चे 9,00,000 रुपए से आप इसको डेबिट कर दो। आउटपुट जीएसटी कितने से डेबिट हो गया, 9,00,000 से, खत्म कर दिया। जो हमारे पास इसके अगेंस्ट एसेट्स थे ना डेबिट में, आप इनको भी खत्म कर दो, इनको भी। तो डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट जीएसटी, सॉरी इनपुट आईजीएसटी है, नाम वही लिखना जो पूरा है जी, आईजीएसटी अकाउंट कितना, 1,06,000। हमने कहा कि 9,00,000 में से इतना हमने एडजस्ट किया, और बाकी जो 7,94,000 है, यानी कि ये अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो पे कर दिया यानी कि हमारे बैंक से पैसा चला गया। ये हो गया बीइंग सेटलमेंट मेड, हमने मेरे बच्चे यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट हमने यहाँ पे कर लिया, एंड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, लो काम खत्म हो गया, हमने यहाँ पे सेटलमेंट कर लिया मेरे बच्चे। तो ये एक्चुअली आपका अकाउंटिंग चलता है, जब किसी कंपनी में आप काम करने जाएंगे, फर्म में काम करने जाएंगे, ये काम आपको करना पड़ सकता है, बिल रेज करना पड़ता है मेरे बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना जीएसटी हमें पे करना है और जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं किसी और पार्टी को, हमने कुछ सामान लिया उस पर पे कर दिया, वो माइनस करके बाकी अमाउंट हमें पे करना होता है। उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप प्लीज कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लो। सर हो गया सर, और बताओ, और बताओ मेरे बच्चे, आज अब कुछ नहीं, आज अब कुछ नहीं मेरे बच्चे, आज तो बस मुझे यही सेटलमेंट आपको समझाना था। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या किया, आपका जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल की जो एंट्रीज है, परचेज की एंट्री है, एक्सपेंसेज की एंट्री, हमने उसको रिकॉर्ड करना सीखा। हमने आपको बताया कि जब इंट्रा स्टेट होगा तो जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी इक्वल पार्ट में, और अगर वो आपका इंटर स्टेट सेल है तो वो सिर्फ आईजीएसटी यानी कि इंटेग्रेटेड जीएसटी आपका सिर्फ होगा। मेरे बच्चे हम लोगों ने ये जो सेटअप किया गया, ये आपका जो पे किया खरीदा, और लास्ट में जब हिसाब होता है तो वो कैसे होता है, मैंने वो भी बताया। बाहर वाला आपसे पूछता है कि इनपुट जीएसटी क्या है, बोलना कि हमारा एसेट से एडवांस में पे किया अमाउंट, क्योंकि लास्ट में जाके इसका एडजस्टमेंट होगा। और कोई पूछे कि जरा बताओ आउटपुट जीएसटी क्या होता है, तो आप बोलना कि हमारी वो लायबिलिटी है जो हमने कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देनी है, लास्ट में उनका नेट करके हम आपका पेमेंट कर देते हैं। मेरे बच्चे ये जो हमने सेटअप किया ना, ये जो सेटअप किया मैंने एक दूसरे से आपका, इसके भी कई सारे रूल है, और रूल आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। वो जो आपका जो सेंट्रल जो जीएसटी आपका है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेटअप किया, सेटअप किया ना मतलब एड्रेस किया। तो अगर मान लो सीजीएसटी है सेंट्रल स्टेट, वो कहाँ से सेटअप होगा, क्या तरीका होगा, वो अकाउंटिंग कैसे होगा। और अगर एक क्वेश्चन जहाँ पे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही इकट्ठा हो गया, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमें अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा। अगली क्लास में जब आऊँगा तो मैं और इंडेक्स कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँगा, और सारी बातें आपको बताऊँगा। ये आपका इनपुट आउटपुट का लेजर अकाउंट कैसे बनता है, मैं वो भी सीखना है, बहुत सारी बातें सीखना है मेरे बच्चे,
बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, लेकिन आज बस इतना ही। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को आपको रेफर नहीं करना। आप एक काम करें, आप कसम खाएं कि जब अगली क्लास में मेरे साथ आप बैठेंगे तो यहां तक कि एक एक बात का आप रिविजन करके बैठेंगे, डाउट कुछ उठेगा नहीं। अगर उठता है तो मैं हूं, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका डाउट के लिए हमेशा रहता हूं, आपको पता ही है बात। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे, इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों।